हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय टारगेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मौर्य सर, आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये चैप्टर बच्चों का जीरो से लगाई और जब तक की तैयारी करते हैं तब तक ये क्लियर ही नहीं होता है। लाइफ भर पढ़ते रहते हैं, कोचिंग में अटेंड करते रहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, कुछ भी पता नहीं रहता। यानी कि ना नंबर सिस्टम पता रहता है, ना प्रकृत संख्या पता रहता है, ना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो चलिए याद रहता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन से आते हैं, ये सब क्लियर नहीं होते हैं। तो आज मैं आपका ये सारा दुख दूर कर दूँगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो रोड डेली डालता हूँ, जिससे आपका तैयारी बहुत बढ़िया से हो सकेगा। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूरा चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम बता दे रहे हैं कि आपको जीरो से लगाई और जब तक आप पढ़िएगा तब तक ये ज़रूरत पड़ेगा ये सब। और ये अध्याय हमारा एक है और चैप्टर संख्या इंग्लिश में कहें तो एक ही कहलाएगा, है ना। तो इसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं कि संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ेंगे पहले, नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा चलते हैं कि संख्या पद्धति क्या है, क्योंकि इसमें प्रकार प्रकार के विभिन्न प्रकार के हम लोग पद्धतियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस पद्धति, मतलब कि कौन कौन सा पद्धति आया और कैसा कैसा संख्या मतलब हमारा हुआ और कैसे कैसे में बांटा गया, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और उससे पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। हमको पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में। चैप्टर का नाम है रियल नंबर, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं, तो संख्या पद्धति क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नंबर सिस्टम, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। देखिए, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्था, या हम ये कह लें कि सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। कोई भी संख्या है उसको हम लोग, कोई भी संख्या है लिखने के लिए, उनके नामकरण के लिए, और उसको कहाँ रखना है, किस जगह रखना है, किस स्थिति में रखना है, कब उसका प्रयोग करना है, क्या कहना है, इन सभी का एक नियम बना और रूल बना, जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब देखिए, कह रहा है कि ये निम्न संख्याओं को प्रदर्शित करता है, कौन, तो संख्या पद्धति। अब आगे चलते हैं कि क्या भाई प्रदर्शित करता है। तो जैसे में हम लोग देख लेंगे कि जैसे में संख्या पद्धति में, जैसे मैं सब आ जाएगा संख्या पद्धति में, है ना, प्राकृत संख्या, रियल नंबर, सबके सब। तो भाई उड़ जाता है बात कि प्राकृत संख्या क्या है, जो बहुत बार बच्चों का फंसता है, तो इसके बारे में हम आज जान जाएंगे और आज हमारा इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो जाएगी। और मैं दावा कर रहा हूँ कि कभी भी आपका नहीं भूलेगा, है ना। आप थोड़ा सा बस याद करके रखिए। तो ये देखिए, प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल, इसको कैपिटल यन द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या बोल देता है कि कैपिटल यन है, यन में है, तो यानी कि नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या में है, प्राकृत संख्या बोले तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन। तो प्राकृत संख्या का डिफिनेशन ये बनता है कि गिनती में प्रयुक्त तो होने वाले संख्याएँ प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर आउट हो गया होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं, फिर एक नज़र। गिनती में प्रयुक्त तो होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जैसे में एक, दो, तीन, और भी इस तरह आते रहेगा, हजार, लाख, करोड़, यानी इसका अब अंत नहीं है। लेकिन कौन, तो गिनती के अंक, ठीक है। इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, ना ही माइनस वाला शामिल होगा, केवल एक, दो, तीन पॉजिटिव अंक ही रहेगा, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या। अब देखिए क्या कुछ इसमें फंडा भी है। बोला प्राकृत संख्या को यन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात यन बराबर क्या हो जाएगा, जब यन से प्रदर्शित किया जाएगा तो यन बराबर एक, दो, तीन, डैश डैश डैश, बहुत सारा हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, और एक इसमें आ जाता है क्या बात, कि प्राकृत संख्या को हम लोग धन पूर्णांक भी कहा जाता है, ठीक है। ये धन पूर्णांक भी कहलाता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या अभी, अपूर्ण संख्या अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझ लीजिए कि जो प्राकृत संख्या है ये एक धन पूर्ण संख्या है। तो कहेगा धन पूर्ण संख्या, तो आप इसका मतलब अपना यूज कर लीजिएगा कि नहीं भाई, धन पूर्ण संख्या कौन कौन से होते हैं, तो एक में तो पूर्ण संख्या हो भी करेगा, दूसरा में हमारा प्राकृत संख्या भी एक धन पूर्ण संख्या है। चलिए अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं कि भाई पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर। और इस संख्याओं को जो प्रदर्शित किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर
प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लिखा हूँ कि इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है इसे, तो हमारा ये है पूर्ण संख्या को, है ना। तो बोला है कि सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब एक से लगाई जितना भी गिनती का अंक है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, और उस संग्रह में यानी कि उसके समूह में हम जीरो को भी शामिल कर दें, ठीक है। जब जीरो को भी शामिल कर दें तो ये जो संख्या हमारा प्राप्त होता है, ये हमारा किस कैसा प्राप्त होता है, तो पूर्ण संख्या मिलता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग चलते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। ये बहुत मोस्ट है, ये आपको बहुत बार कंफ्यूजिंग में डालेगा, तो ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई बढ़िया से थ्योरी बताने वाला नहीं मिलेगा 10 क्लास में, क्योंकि ये पूरा तैयारी कर जाइएगा फिर भी नहीं पता चलता है कि मतलब सभी नंबर के बारे में बढ़िया से डिफाइन कोई करे, कोई बताए, नहीं, बस उसमें से 2, 4, 5 करेंगे और नहीं करेंगे, है ना, बस इसी तरह मुंह से बता देंगे। तो ये बताइए, ऐसे नहीं याद हो पता, अगर नोट्स रहता है तो बहुत क्लियर रहता है। तो इसका आप नहीं नोट्स बनाया है तो प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक को जो इंग्लिश में कहा जाता है हमारा इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं रेड कलर से इसलिए लिखा हूँ कि आपका ध्यान पड़ेगा इस पर। तो बोला है प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल करने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। सिंपली आप देखिए, यहाँ पर प्राकृत संख्या हमने ले लिया इतना दूर, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इरेज करके मैंने प्राकृत संख्या ले लिया और इसमें शून्य को भी शामिल कर लिया तथा ऋण संख्या को भी शामिल कर लिया। जब ये तीनों को जब शामिल कर लिया जाएगा तो इससे प्राप्त जो संख्या होगा ये हमारा इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग की सम संख्या क्या है, व्हाट इज इवेन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवेन नंबर, और इवेन नंबर क्या है तो इवेन नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इवेन नंबर, ठीक है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो तो उसे सम संख्या कहा जाता है। सिंपल कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं लिखा हूँ नीचे ये दो लिखा हूँ, इसको दो से विभाजित कर दीजिए, एक बार वन टाइम्स चला जाएगा तो ये हमारा सम संख्या हो गया। 4 को 2 से, 2 से भाग दीजिए, ये दो बार में चला जाएगा तो ये भी सम संख्या। 150 को 2 से भाग दीजिए, ये भी चला जाएगा आपका। 75 बार में 75 टाइम्स चला जाएगा, 75 टाइम्स, तो ये भी क्या हुआ, एक सम संख्या। यानी कि वह संख्या जो विषम ना हो, केवल सम हो, विषम का मतलब 10, 5, 7 ये ना हो, या हम ये कह लें कि 2 से भाग हो जाए, ये तो सिंपल एकदम 2 से भाग कर देंगे जिस जो भी कट जाएगा संख्या, जैसे कि हम 3 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो ये तो 1.5 आ जाएगा, ये हमारा नहीं कटेगा, है ना, यहाँ पर रिमेनिंग बच जा रहा है, 0.5 आ जा रहा है। तो ये ना हो, 2 से पूर्णतः पूरा का पूरा भाग लग जाए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे मैं आपको बता देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 ETC, इसका कोई अंत नहीं है, है ना, लेकिन शुरू कहाँ से होगा, तो 2 से शुरू होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2 है, यहाँ पर ये ध्यान रहेगा। और ये फिर से कर दे रहे हैं, इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक, क्योंकि इसका काम पड़ेगा प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य ऋण और शून्य प्राकृत संख्या, शून्य और ऋण संख्या को मिला देने से प्राप्त संख्या हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। इंटीजर्स सम संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए पूरा पूरा, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब आते हैं और नंबर पर, ये भी मोस्ट ही है ना, और नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए और नंबर क्या है, तो ऑड नंबर इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में जो होता है इसका अर्थ विषम संख्याएं होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। कह रहा है कि वहाँ पर सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाता है पूरा का पूरा भाग लग जाता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक। जैसे मैं 1, 3, 5, 7 और आपका 9, 11, 13, 15, 17 यानी कि 2 से डिवाइड करने पर ये पूर्णतः ना विभाजित हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, जैसे आप समझ गए होंगे इसे बढ़िया से। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो प्राइम नंबर, यानी कि ये सबसे मोस्ट होता है और ये हमारा हर वक्त काम देता है, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएँ जो 1 और स्वयं से विभाजित हो,
वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वह संख्या जो एक से विभाजित हो जाए, यानी कि एक में तो ये सब में डिवाइड हो जाएगा, एक से 7 times, 11 times, 13 times, यानी जितना बार में डिवाइड करेंगे किसी कोई भी संख्या उसके बेटा में अगर एक हम डालते हैं तो उतना ही टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि वह संख्या जो अपने से भी कटे, खाली दूसरे से ना कटे, एक और स्वयं से कटे, जैसे मैं दो दो है तो दो को चार से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो जीरो पॉइंट कुछ आएगा, तो ऐसा कर ऐसा नंबर से ही देना है जिससे पूरा कट जाए। तो दो केवल दो से ही कट सकता है पूरा, और एक से, इसके अलावा किसी और से नहीं। तीन देखिए, तो तीन भी हम लोग कटाएंगे तो तीन भी स्वयं से ही कटेगा, ये दूसरी। तो हम देखेंगे आज भाज्य संख्या के बारे में, अब भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं ना। तो देखिए, भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइड नंबर। क्या कहते हैं, डिवाइड नंबर। तो व्हाट इज डिवाइड नंबर, यहाँ पे डिफिनेशन निकल के आता है कि भाई भाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा दूसरों से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो स्वयं से, यानी कि जो चार है, ये चार से विभाजित हो और दूसरों से भी विभाजित हो, यानी कि दो से हो, एक से हो, है ना। तो जैसे छः हो गया, ये तीन से भी हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा और छः से भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद है ये इतना आपको समझ में आया होगा और ये ऊपर के भी समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए, ये अब हम लोग देखेंगे आठ पॉइंट नंबर एट जो हम लोगों का है, क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा को प्राइम नंबर है ना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में ये भी बहुत बढ़िया होता है ना, और ये सब नंबर का बहुत सारा यूज है, ये आपको अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याएँ क्या है, तो वे दो संख्याएँ जिनके केवल एक सर्व अभाज्य गुणनखंड हो, यह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आप सिंपल से भाषा में जानिए कि वो दो संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनकी HCF हम निकालें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाले, तो उनका HCF एक के बराबर हो। यदि एक के बराबर उसका HCF आया तो आप समझिए कि वो कौन सा नंबर है, तो को प्राइम नंबर है या सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मैं एग्जांपल में ले लीजिए 14, 15, फिर 7, 8, फिर 3, 4, ये सब का निकालिएगा आप, तो HCF 3, 4 का निकालिएगा तो HCF कितना आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर होता है, और इसे आप आसानी तरीके से अपने भाषा में भी बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका HCF एक हो, वह संख्या जिसकी HCF या महत्तम समापवर्तक एक हो, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या वे दो संख्या जिनके केवल एक सर्व अभाज्य गुणनखंड हो, यानी कि उसको तोड़ने पर केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड निकलता हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं 14, 15 हो गया, फिर 7, 8 और इसी तरह भी आगे भी, है ना। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग की परिमेय संख्या, बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास में हम लोगों को अभी फिलहाल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे भी संख्या होती है जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में तो लिख देते हैं, वो तो हो जाता है परिमेय, लेकिन अशांत, उनका दशमलव प्रसार भी अगर शांत रहता है तो एक्चुअल में परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप पूरा डिफिनेशन अच्छी तरह से दीजिएगा कि वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके तथा जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं आप देख रहे हैं, 3 हो गया, 3 के बटा में 1 छिपा हुआ है तो ये परिमेय। अब 4 हो गया तो 4 के भी बटा में 1 छिपा हुआ, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया। फिर ये 0.32 है, तो हम लोग दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए बटा में 100 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक पी बटा क्यू के रूप में हो गया। फिर 5/4 क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। फिर 5/2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3.14 ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको कटाने के बाद जो मान मिलेंगे ये निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को भी बटा में 1 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो ये पी बटा क्यू का फॉर्म में हो गया, इसलिए 0 भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये रूट 25 भी दिया हुआ है परिमेय संख्या में, रूट 25 तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर 25 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, ये दो गो के बदले में एक निकल जाएगा बाहर, तो हमारा क्या आ गया परिमेय संख्या 5। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, इरेशनल नंबर के बारे में है ना, तो ये अपरिमेय संख्या क्या है, तो वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सक नहीं किया जा सकता है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन को मैं दोहरा देता हूँ आपके लिए, तो मैंने क्या कहा कि वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट दो का निकालेंगे तो एक पॉइंट एक चार ऐसे कुछ आएगा, तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। या आप देख लीजिए 0.32332 आ रहा है इसी तरह, मतलब और भी चलते रहेगा, तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि मतलब यहाँ तक रुका हुआ है, ये नहीं रुका हुआ है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जब शांत नहीं है अशांत है तो ये कौन सा नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा ये पाई बहुत मोस्ट होता है, पाई एक क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, इसका मान 3.14 ले लिया जाता है, इसलिए ये एक क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर 2+√3 यानी कि देखिए इसका भी एक रूल होता है, मतलब ये रूल ये होता है कि आप कभी भी परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या है और इसमें अपरिमेय संख्या 3 जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, परिमेय संख्या नहीं मिलेगा। जोड़िए या घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, ये क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। आप अपने कलम कॉपी से निकाल कर देख सकते हैं, जैसे कि 2√3 दिया हुआ है, ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या ही है। चलिए अब आगे देखते हैं, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिए तो अब हमारा आता है क्या चीज़, तो वास्तविक संख्या आता है, और वास्तविक संख्या के बारे में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्या बार बार आता है कि व्हाट इज़ रियल नंबर, रियल नंबर में कौन कौन है ना, ये इन 10 में ही समाप्त नहीं होने वाले हैं, ये आपके कंपटीशन एग्जाम से लगाई, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वास्तविक संख्या में क्या क्या नंबर आते हैं, तो आप बता दोगे अगर जानते रहोगे कि परिमेय तथा अपरिमेय, और ये भी जानते होंगे कि परिमेय किसे कहते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मेलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब मिला दिया जाता है तो उससे प्राप्त जो संख्या होता है उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे मैं देख लेंगे 3.42 0.32 0.3232 है ना, √2 √7 ये सब क्या हो जाएगा हमारा, तो ये सब हो जाएगा हमारा वास्तविक संख्या, डेट इज रियल नंबर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, अब जो बाकी रहेगा ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, है ना। तो चलिए सो थैंक्स, आपको अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों में ये शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं ऐसे पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन, तो वो लोग अटेंड करेंगे, और उन गरीब छात्रों के लिए ये बना गया है जिन्हें कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन जा नहीं पाते हैं घर में, है ना, काम धंधा बहुत ज़्यादा है, चाहे गरीब हैं, तो वो हमारे वीडियो से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, एक से एक उसमें डिटेल दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर कोई दिक्कत हो या तकलीफ़ हो तो उसके लिए हमको कमेंट करके बताएं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, और शेयर अपने दोस्तों में खूब दबा के करें क्योंकि ये मेहनत आपके लिए तो किया जा रहा है, शेयर कीजिएगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा, तो इससे बड़ा क्या चाहिए, तो ठीक है हमने